नमस्कार दोस्तों, हम फिर से हाजिर है आपके पास एक नई वीडियो लेके जिसका नाम है कि व्हाट इज मॉडम। मॉडम क्या है और इसको कहां कहां पर हम यूज करते हैं। मोस्टली आप सबने मॉडम को कहीं ना कहीं पर देखा होगा, उसके बारे में कुछ सुना होगा। मोस्टली आपके जो आपके ऑफिस हैं, आपके घर में हैं या फिर कैफे एरियाज हैं, आपके मोस्टली जो शॉप्स हैं, आजकल जहाँ जहाँ पर आपका इंटरनेट यूज हो रहा है वहाँ वहाँ पर आपने मॉडम के बारे में इस डिवाइस को आपने कहीं ना कहीं पर देखा होगा। तो लेट एक्सप्लेन कि ये मॉडम होता क्या है, ये कैसे वर्क करता है, ये कैसे चलता है, कैसे काम करता है। तो इस वीडियो में हम आपको ये सारा का सारा एक्सप्लेन करेंगे कि ये मॉडम है क्या। तो इससे पहले कि हम अपनी वीडियो को शुरू करें, सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल इलियाना टेक को और लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी वीडियो को। तो शुरू करते हैं मॉडम से। देखो ये आपके सामने जो एक डिवाइस सामने पड़ी हुई है इसको हम मॉडम कहते हैं। देखो मॉडम यहाँ पर आपके डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के भी हो सकते हैं, उनके डिजाइन अलग हो सकते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर देखो ये थ्री एंटीनाज आपके पास मॉडम शो हो रहा है। तो कहीं पर आपके सिंगल एंटीना भी होते हैं, कहीं पर डबल एंटीनाज होते हैं, कहीं पर विदाउट वायरलेस जो आपके मॉडम्स होते हैं। तो मॉडम का जो काम है वो सेम रहता है, जो उसकी टाइप्स हैं वो अलग अलग चाहे हो सकते हैं। जैसे कि जो वायरलेस हैं वो आपको वायरलेस की फैसिलिटी अलग से देते हैं, जो वायरलेस नहीं है वो सिंपल आपको वायर के साथ कनेक्टिविटी आपको प्रोवाइड करते हैं। बट जो बेसिकली जो इंटरनली उनका जो काम है वो आपका सेम रहता है। जो वर्ड मॉडम है वो एक्चुअली दो वर्ड से बना हुआ है। तो यहाँ पर आपको मैं क्लियर करता हूँ कि मोडम दैट मीन्स की मॉडुलेशन एंड डीमोडुलेशन। तो ये दो वर्ड्स आपने याद रखने हैं कि जो मॉडम है वो दो वर्ड से बना हुआ है, मॉडुलेशन एंड डीमोडुलेशन। अब सभी आपको पता ही होगा कि जो हमारे जो कंप्यूटर्स हैं वो डिजिटल कंप्यूटर्स हैं जो डिजिटल सिग्नल्स के ऊपर काम करते हैं। तो अब हमारा जो एक सिस्टम है, जो हमारा एक कंप्यूटर है, ठीक है, वहां पर हमारे पास जो डाटा आ रहा है वो कहीं ना कहीं पर जो टेलीफोन वायर के साथ आ रहा है। तो जो टेलीफोन वायर है वहां पर जो ट्रांसमिशन है वो डिजिटल नहीं है, ठीक है। वहां पर जो ट्रांसमिशन हो रही है वो एनालॉग फॉर्म में हो रही है, ठीक है। बट हमारे कंप्यूटर में कहीं ना कहीं से मेल आ रही है, जब हम अपने कंप्यूटर से कहीं ना कहीं पे जो कुछ डाटा भेज रहे हैं तो वो तो कंप्यूटर में जो सेव होगा वो तो डिजिटल फॉर्म में होगा ना। अब वहां पर उस डाटा को कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास क्या होता है, मॉडम। बेसिकली मॉडम को हम यूज करते हैं मॉडुलेशन एंड डीमोडुलेशन में। तो मॉडुलेशन का क्या कंसेप्ट है कि कन्वर्ट डिजिटल सिग्नल टू एनालॉग सिग्नल, कि जो हमारे कंप्यूटर के डिजिटल सिग्नल है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि मैंने एक मेल यहाँ से किसी और कंप्यूटर में भेजनी है, तो ये वाला कंप्यूटर जो हमारे पास है, यहाँ पर आपका जो कंप्यूटर है वो डिजिटल है और यहाँ पर भी आपका कंप्यूटर डिजिटल है, बट इन बिटवीन जो आपका मीडिया यूज हुआ है वो टेलीफोन वायर यूज हुई है, बट वहां पर जो सिग्नल यूज होते हैं वो क्या होते हैं, आपके एनालॉग सिग्नल्स। तो उस सिग्नल्स को कन्वर्ट करने का काम किसका है, मॉडम का। तो यहाँ पर हमारे पास जो मॉडम है वो क्या करता है, मॉडुलेशन करता है, मींस कि डिजिटल सिग्नल्स को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करता है। और डेस्टिनेशन एंड पे जब हमारा डाटा जाता है देन फिर क्या करता है कि वो एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में क्या करता है, कन्वर्ट करता है। तो बेसिकली जो हमारा मॉडम है उसका जो मेन काम है मॉडुलेशन एंड डीमोडुलेशन करना, कि जो आपके सिग्नल्स हैं उनको आपको कन्वर्ट करके आपको डाटा प्रोवाइड। हमारे पास यहाँ पर एक डायग्राम है, यहाँ से आप थोड़ा सा इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हो कि जैसे कम्युनिकेशन बिटवीन हो रहा है कंप्यूटर थ्रू द एग्जिस्टिंग टेलीफोन केबल्स। तो यहाँ पर हमारे पास जो टेलीफोन केबल है ये देखिए, तो यहाँ पर हमारे पास क्या लगा हुआ है, मॉडम, और यहाँ पर क्या है, कंप्यूटर। कंप्यूटर किसके साथ कनेक्टेड है, मॉडम के साथ, और मॉडम किसके साथ कनेक्टेड है, टेलीफोन वायर के साथ। जो टेलीफोन वायर पे जो आपके एनालॉग सिग्नल्स आ रहे हैं उसको मॉडम क्या करेगा, 0101 कंप्यूटर रीडेबल फॉर्म में क्या करेगा, उसको कन्वर्ट करेगा। तो यही काम आपका जो है सर्वर एंड और डेस्टिनेशन एंड जो है वहां पर वाइस वर्सा होता है, कि अगर आपने यहाँ से कहीं डाटा भेजना है तो ये आपके डिजिटल सिग्नल यहाँ मॉडम के पास जाएंगे, वो उसको एनालॉग में कन्वर्ट करके वहां भेज देगा, एंड देन वहां पर जब पहुंचेगा तो वहां पर जो आपके एनालॉग सिग्नल है वो मॉडम के पास आएंगे, देन वो उसको कन्वर्ट करके डिजिटल सिग्नल में कंप्यूटर फॉर्म में आपके सामने शो कर देगा। तो यहाँ पर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि जो आपका इंटरनेट है तो वो उसके साथ केबल मॉडम के साथ कनेक्टेड है, एंड देन देखिए केबल मॉडम को उसने फर्दर कहीं रूटर के साथ कनेक्ट किया हुआ है, एंड देन फर्दर उसको मल्टीपल डिवाइसेस के साथ कनेक्ट किया हुआ है। अगर हम यहाँ से रूटर को हटा भी देते हैं तो आपका जो मॉडम है मॉडम के साथ आप डायरेक्ट कम्युनिकेशन करवा सकते हो, पीसीस को कनेक्ट करवा सकते हो, बट वो डिपेंड करता है कि उसके पीछे जो लैन पोर्ट्स हैं वो कितनी है। अगर आपके पास लैन पोर्ट कम है तो देन उसकी एक पोर्ट को आप रूटर के साथ कनेक्ट करके और यहाँ पर आप फर्दर मल्टीपल डिवाइसेस को आप इसके साथ कनेक्ट करवा सकते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा था कि आपके जो टेलीफोन वायर्स है वहां से आपके एनालॉग सिग्नल्स कैसे वो कन्वर्ट कर रहा है, या फिर आपके डिजिटल सिग्नल को वो एनालॉग में कैसे कन्वर्ट कर रहा है। तो थोड़ा सा ब्रॉडली देखें, देखो ये हमारे पास क्या है, इंटरनेट।
तो ये है हमारे पास यहाँ पर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। देखो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर वो है जो आपको इंटरनेट की सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, चाहे वो BSNL है, चाहे वो एयरटेल है, चाहे वो एटसेट्रा कोई भी कंपनी है जो आपको इंटरनेट की सर्विस प्रोवाइड कर रही है। तो वहां से आपकी क्या आ रही है, टेलीफोन लाइन्स। तो वो टेलीफोन लाइन फर्दर आपकी क्या है, मॉडेम के साथ कनेक्टेड है, एंड देन मॉडेम आपके साथ क्या है, कंप्यूटर के साथ कनेक्टेड है। तो ये सारी की सारी जो कनेक्टिविटी है ये है आपका इंटरनेट का स्ट्रक्चर। तो हम जो इस वीडियो में स्टडी कर रहे हैं वो हम स्टडी कर रहे हैं मॉडेम की। तो मॉडेम का जो काम है, जो आपकी यहाँ इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर आपको जो इन्फॉर्मेशन भेज रहा है यहाँ से, ठीक है, और वो आपकी डिजिटल सॉरी एनालॉग फॉर्म में होगी, एंड देन वो यहाँ आके उसको डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करके आपको कंप्यूटर फॉर्म में आपके सामने शो कर देगा। तो ये एक हमारे पास एक ब्लॉक डायग्राम है, इसके थ्रू हम आपको इसमें भी थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं कि जैसे कि हमारे पास ये एक कंप्यूटर है और ये हमारे पास एक बी कंप्यूटर है। तो इन बिटवीन हमारे पास क्या है, टेलीफोन का नेटवर्क है सारा का सारा, जिसके साथ आपके सारे के सारे कंप्यूटर, आपके सारे इंटरनेट आपका क्या है, आपको मिला हुआ है, आपको कनेक्टेड है। तो यहाँ पर हमारे पास एक मॉडेम है, यहाँ पर मॉडेम है। देखो मॉडेम का काम क्या है, मॉडुलेशन सर्किट और डीमॉडुलेशन, कि मॉडुलेशन करना डीमॉडुलेशन करना। यहाँ पर भी क्या करेगा, वो मॉडुलेशन डीमॉडुलेशन करेगा। एक कंप्यूटर से हमारे पास कोई डाटा जा रहा है तो वो कंप्यूटर क्या करेगा, उसको डाटा भेजेगा डिजिटल सिग्नल्स में। यहाँ आकर वो मॉडेम क्या करेगा, उसको क्या करेगा, टेलीफोन वायर के अकॉर्डिंग उसको कन्वर्ट कर देगा, मीन्स की एनालॉग सिग्नल की फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा। यहाँ आकर फिर क्या करेगा, वो वहां पर उसको डिजिटल सिग्नल में फिर कन्वर्ट करके कंप्यूटर के सामने शो कर देगा। तो ये एक हमारे पास मॉडेम का रियर पैनल है, यहाँ पे आपको बताएंगे कि यहाँ पर क्या क्या होता है, कि जैसे कि हमारे पास एक पावर बटन होता है, यहाँ से हम उसको ऑन ऑफ कर सकते हैं, ठीक है, सॉरी पावर सप्लाई का ऑप्शन होता है यहाँ पर, जैसे कि पावर सप्लाई आप देते हो, अडैप्टर लगता है यहाँ पर। यहाँ पर हमारे पास एक ऑन ऑफ का ऑप्शन होता है, यहाँ पर हमारे पास वाईफाई और WPS का ऑप्शन होता है, इसको मैं अगली वीडियो में आपको समझाऊंगा कि WPS क्या होता है, कि यहाँ से हम क्या कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास क्या है, लोकल एरिया नेटवर्क, जो लैंस के जितने आपके कंप्यूटर आपने इसके साथ कनेक्ट करवाने हैं वहां पर आपके पास, हमारे पास सिर्फ यहाँ पर हम 4 कंप्यूटर इसके साथ कनेक्ट करवा सकते हैं। यहाँ पर ADSL है, ADSL मींस कि आपके पास जो टेलीफोन की वायर आ रही है वहां से आपका यहाँ पर कनेक्टिविटी होगी। एक्चुअली टेलीफोन की जो वायर आ रही है उसके आगे एक ADSL स्प्लिटर लगा होता है, वो स्प्लिटर में एक वायर जो आपकी जाती है वो टेलीफोन में जाती है और एक आपकी कहाँ आती है, मॉडेम की। यहाँ से मैं आपको समझाता हूँ थोड़ा सा। तो ये देखिए हमारे पास, ये देखो ADSL की है, यहाँ से हमारे पास इंटरनेट की सप्लाई आ रही है, तो यहाँ पर हमारे पास एक स्प्लिटर लगा हुआ है, यहाँ से एक वायर आपकी कहाँ जा रही है, टेलीफोन में, और एक हमारी कहाँ आ रही है, यहाँ पर वैन पोर्ट में, यानी कि ADSL में यहाँ पर। एंड देन आपका क्या हो जाएगा, मॉडेम, तो आपका यहाँ से क्या हो जाएगा, मॉडेम कन्फिगर हो जाएगा, आप इंटरनेट को यूज कर सकते हैं, यहाँ से आप मॉडेम को कन्फिगर कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं और डाटा को आप यूज कर सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो की मॉडेम क्या है, वो कैसे काम करता है, कैसे वर्क करता है। तो यहाँ पर आपको मैंने इस वीडियो में थोड़ा सा एनालॉग सिग्नल और डिजिटल सिग्नल के बारे में बताया था, उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा कि एक्चुअली एनालॉग सिग्नल्स कैसे वर्क करते हैं, डिजिटल सिग्नल कैसे वर्क करते हैं, कंप्यूटर्स में वो डिजिटल सिग्नल कैसे कन्वर्ट होकर हमारे पास जो डाटा है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हमारे पास फॉर एग्जाम्पल ए है या बी है या सी है, जब हम उसको कीबोर्ड से प्रेस करते हैं वो कैसे वो शो होता है, तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन करेंगे। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूले हमारे YouTube चैनल इलियाना टेक को, और लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए, और कमेंट बॉक्स में आप अपने सुझाव हमें दे सकते हैं। अगर आपको किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए आप वहां पर लिख सकते हैं कमेंट सेक्शन में कि इस टॉपिक पर आप वीडियो बनाएं, एंड देन हम उस पर कोशिश करेंगे कि वीडियो आपकी जल्द से जल्द हम वहां पर अपलोड कर सकें। थैंक यू सो मच, जय।